Hello, my dear students. In previous lecture, we have discussed about wind turbine components and lift and drag. In today's lecture, we are going to discuss the different types of wind power turbines and the classification of wind power generation. Okay, so welcome to the class of Power System 2. Let's get started. So firstly, coming to the different types of wind power turbines. So in previous lecture, we have seen the geared drive wind power plant. Now we are going to see direct drive wind power plant. So as you can see in this image, in this block diagram, the gearbox is missing here. A wind turbine is directly connected to the generator, and in the previous mechanism, gearbox was present and it was connected to it was connecting the shaft, the wind blades and shaft to the generator, but here it is not present. So what happened? The direct drive wind power system eliminates the gearbox, okay, and it consists of blades, rotor shaft, permanent magnet, synchronous generator or a power controller unit. जो ये जो unit आपको नजर आ रहा है ये पूरा हम उसको power controller unit बोलते हैं. Let me highlight it for you. So this whole unit, including this and this, इस पूरे यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर कन्वर्टर यूनिट, बिकॉज नॉर्मली इसको कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. ऑफकोर्स जो ब्लेड्स जो होती है टर्बाइन की, लाइट होनी चाहिए दैट्स सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली, राइट. और जो फ्लैट शेप ब्लेड्स रहती है उनकी वजह से लिफ्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है, और लिफ्ट ज़्यादा मिलता है तो हमको क्या ज़्यादा मिलता है? रोटेशन जी. एंड पिच कंट्रोलर मैक्सिमाइजेस लिफ्ट एज पर चेंज इन द विंड स्पीड, एंड आल्सो ब्लेड्स को वो क्या करता है? हाई विंड से प्रोटेक्ट करता है, ओके. वन मोर थिंग अबाउट पिच कंट्रोल, यू विल बी वॉचिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. हमने यॉ कंट्रोल के बारे में पहले ही देख लिया है. वी विल बी वॉचिंग पिच कंट्रोल, और आगे आपको स्टॉल कंट्रोलिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है. नाउ टू कंटिन्यू, फर्स्ट लेट मी जस्ट सॉरी sorry for the inconvenience. So now moving forward, the rotor shaft has two main roller bearings to transfer mechanical energy to generator, ठीक है. कहाँ पे? somewhere here, तो क्या करता है? जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जनरेटर का जो डायमीटर है, लास्ट डायमीटर स्ट्रक्चर जो है जनरेटर का, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पावर इन टर्निंग स्लोली, ओके. तो उसकी वजह से जो गियरबॉक्स का स्पीड अप रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस कर देता है. नाउ डिस्कसिंग अबाउट हाउ इट द होल सिस्टम वर्क्स, ओके. तो सबसे पहले तो जो विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन, विंड का जो डायरेक्शन है उसका जो डेटा है वो सेंसर्स के थ्रू
योर ड्राइव में रिसीव होता है, ठीक है। योर ड्राइव कहाँ होता है? वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर, समवेयर हियर, राइट। सो योर ड्राइव से सेंस किया जाता है, ठीक है। और ये जो विंड विंड जो आती है, जो हमारे ब्लेड्स को, विंड विंड ब्लेड्स को रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लेड्स रोटेट करती है। बिफोर दैट जो हमने तीन अलग अलग ड्राइव्स मेंशन किए, योर ड्राइव था, ठीक है। तो योर ड्राइव क्या करता है, वो नेकल को टर्न करता है एंड इट मेक्स द नेकल टू फेस मैक्सिमम विंड, कि जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम रोटेशन मिल सके और हमको मैक्सिमम विंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिल सके, ठीक है। और ब्लेड एंगल्स जो है उसको एडजस्ट किया जाता है एज पर विंड स्पीड, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिच कंट्रोल यूज़ करते हैं। यू विल बी सीइंग योर कंट्रोल पिच कंट्रोल टर्म्स फर्दर, सो नो नीड टू वरी अबाउट द फैंसी वर्ड्स राइट नाउ। देन दिस रोटर ब्लेड्स विल स्टार्ट टू रोटेट, और जो विंड का जो फोर्स है उसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट होंगे। और बिकॉज ऑफ द रोटेशन इन दिस ब्लेड्स, this whole shaft will start to rotate, right? So ये जो पूरा shaft जब rotate करना लगेगा, so what will happen, there are neodymium magnets over here, okay, and because of this spin of the shaft, because of the spin of the neodymium magnets, generator will induce current in the windings, ठीक है। And because of this induced current, generator will deliver electricity, and then the power converters, here is a rectifier, okay. So what will rectifier do, it will convert my produced AC current into DC current, then this generated DC current will be regulated via voltage regulator. This regulated power will गो टू डी सी कंट्रोल यूनिट, जहाँ से क्या होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सरप्लस एनर्जी डंप में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सरप्लस एनर्जी डंप इज अ जनरेटेड पॉजिटिव पावर, ओके, विच इज बींग सेंट ओवर वन प्लेस टू अनदर, देन इट विल बी सेंडिंग टू बैटरी, and it will also be sending to inverter unit, and battery में से भी power जो है वो inverter unit में जाएगा, okay। अब inverter unit क्या करता है, inverter unit will convert my DC power into AC power, and then we will send it directly to grid, okay। And if you want DC power, then you can directly gain from DC control unit यहाँ से, okay? So this is how it works. Now coming towards the advantages and disadvantages of the direct driven wind power plant. So firstly, what does it does? बिकॉज यहाँ पे से जो गियर बॉक्स था वो एलिमिनेट हो गया, तो सबसे पहले तो वो वेट उसका काफ़ी कम हो गया। एंड इफ़ यू रिमेंबर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि
जो वियर एंड टीयर जो होता है, मेंटेनेंस जो होता है वो गियर बॉक्स की वजह से होता है। सो नाउ यहाँ पे गियर बॉक्स रिमूव हो गया तो आपको मेंटेनेंस भी कम मिलेगा, मेंटेनेंस बहुत कम आएगा, ठीक है। आपको वेरिएबल स्पीड रोटेशन मिल जाता है, ठीक है। डिज़ाइन जो है सिंपल हो जाता है बिकॉज आपका जो जो गियर बॉक्स सिस्टम था, गियर बॉक्स पूरा आपका रिमूव हो गया है, सो डिज़ाइन सिंपल हो गया। नाउ बिकॉज ऑफ द गियर बॉक्स देर वर सम लॉसेस, ओके। और अब यहाँ पे पूरा आपका एक स्टेज कम हो गया एंड बिकॉज द रिडक्शन ऑफ दैट स्टेज एफिशिएंसी जो है आपकी हाई हो गई, अच्छी एफिशिएंसी मिलने लगी, राइट। और आपका पावर टू वेट रेशियो जो है वो भी आपको डायरेक्टली हाई ही मिलने लगा, राइट। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट्स, बिकॉज गियरबॉक्स हट गया है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ओके। बिकॉज शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू जनरेटर, दैट इज वाई। एंड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच कॉस्टली, विच वॉज द सेम इन केस ऑफ प्रीवियस वन इज वेल, ओके। नाउ अबाउट दोज फैंसी वर्ड्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट, yaw control, pitch control or stall control, which are also known as salient features of electric generators, okay. So yaw control you all remember from the last lecture ke kya tha, it continuously adjusts the rotor position, okay. Wind ki direction mein jo mera windmill ka jo face hai, windmill ki jo blades hai unko wind ki direction mein face karwane ki koshish karta hai. That's what yaw does, okay. And yaw is the angle of rotation of knuckle around the vertical axis, okay. And then pitch control, वो क्या करता है, जो हमारी blades होती हैं उनकी position change करवा देता है, ठीक है। Like if one blade is like this, it can turn this way or this way, okay, and based on that उसको पावर कंट्रोलर यूनिट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कंट्रोल वो क्या करता है, वो जो हमारे ब्लेड्स जो हैं उनको अलाउ करता है स्टॉल करने के लिए जब भी विंड स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसको एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म यूज करते हैं, सो जो हमारी विंड स्पीड है वो ओवर स्पीड में रोटेट ना करने दो, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड पावर जनरेटर्स, सो मेजरली दो तरीके के होते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड में इट इज देर आर टू टाइप्स, स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर्स एंड वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर्स। इफ यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यहाँ पे भी सेम ही तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। वहाँ पे बस हम मोटर का जैसे क्लासिफिकेशन होता है सेम वेज में, मोटर जनरेटर की तरह ही स्क्विरल केज होता है और वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन जनरेटर भी हम उसको बोलते हैं, ओके। और जो वेरिएबल स्पीड जनरेटर्स हो गए वो तीन तरीके से अलग अलग होते हैं, जिसको जो होते हैं DFIG, जो विंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो है डबली फेड इंडक्शन जनरेटर इज़ मोस्ट यूज्ड इंडक्शन जनरेटर फॉर विंड पावर प्लांट्स। देन देर आर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स एंड वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर्स। सो द विंड टर्बाइन व्हाट इट डज, it converts kinetic energy into electrical energy, aur jo wind turbine ka power ka jo output hai is given by 1/2 rho av cube cp. cp if you remember from the last lecture, it is nothing but power coefficient. A is the area of the rotor, area covered by rotor. Rho is the density of air and v is the wind velocity, okay. Now
जो विंड टर्बाइन का जो आउटपुट है इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय पावर कोएफिशिएंट, पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, विंड की वेलोसिटी, एयर डेंसिटी, जो भी जो हमारा शाफ्ट है जो रोटेट करता है उसकी स्पीड, और ब्लेड की जियोमेट्री पे हमेशा वो डिपेंड करता है। नाउ टू सिंक्रोनाइज विंड टर्बाइन जनरेटर जनरेटर स्पीड एंड आउटपुट विथ यूटिलिटी ग्रेड, इधर मैकेनिकल कंट्रोल और विंड टर्बाइन जनरेटर स्पीड कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड। हम या तो यॉ और पिच दो में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर विंड टर्बाइन स्पीड कंट्रोल जो हो गया स्टॉल मैकेनिज्म, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए सिंक्रोनस जनरेटर्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, दो तरीके के। फर्स्ट हो गया कॉन्स्टेंट स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर, और दूसरा है कॉन्स्टेंट स्पीड वाउंड रोटर जनरेटर। ओके, नाउ स्क्विरल केज की बात करें तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे गियर बॉक्स प्रेजेंट होता है जनरेटर के पहले, और विंड टर्बाइन को पहले हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम ग्रिड को भेज देते हैं पहले, उस और बीच में थ्री फेज ट्रांसफार्मर एक अटैच कर देते हैं, ठीक है। नाउ यू माइट वंडर कि यहाँ पे रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन क्यों हो रहा है। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट पार्ट। तो पहले तो दिस सिस्टम वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे ही ऑपरेट करता है, SCIG हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करता है, और जब वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है व्हाट हैपेंस, वो जो जनरेटर है इंडक्शन जनरेटर SCIG, इट ड्रॉस मैग्नेटिक करंट फ्रॉम द लाइन से, वो मैग्नेटिक करंट जो है यहाँ से मैग्नेटिक करंट वो ड्रॉ करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, पावर फैक्टर जो है लाइन का लैग करता है, और ये लैगिंग पावर फैक्टर को रिस्टोर करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारा पावर फैक्टर जो लैग हो रहा था उसको हम कंपेंसेट कर पाएँ, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सच सिस्टम, इट इज़ सिंपल एंड रिलायबल, इट डज नॉट नीड एनी स्लिप रिंग्स एंड रिड्यूसेस मैकेनिकल स्ट्रेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, पावर फैक्टर पुअर है, ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो है वो भी पुअर ही मिलते हैं, स्पीड रेंज लिमिटेड है, और स्लिप पावर डिसिपेशन एड एज लॉसेस। ओके, नाउ मूविंग टवर्ड्स द कॉन्स्टेंट स्पीड वाउंड जनरेटर WRIG। ये जनरेटर है, ये इसमें क्या हो रहा है, एज यू कैन सी रोटर ब्लेड्स हैं, गियर बॉक्स है, यहाँ पे एक जनरेटर है, और साथ में यू विल बी एबल टू सी वेरिएबल रेजिस्टर्स या फिर रियोस्टेट्स, और इन रियोस्टेट्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लिप कंट्रोल कर सकते हैं इस वाउंड रोटर की, और यहाँ पे कैपेसिटर बैंक भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, और उसके बाद फिर ग्रिड। तो ये जो वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर है उसका जो वेरिएबल एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस है जो ये, उसको हम स्लिप कंट्रोल के लिए यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, स्लिप कंट्रोल के लिए वी यूज़ इट, एंड स्टेटर ऑफ दिस जनरेटर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड, एज यू कैन सी ये ग्रिड में डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, राइट। नाउ जो वेरिएबल स्लिप फीचर जो है उसकी वजह से टॉर्क में और पावर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है। If you don't remember exactly what slip was nothing but a ratio of the actual speed
एंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ माय जनरेटर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये एकदम सिंपल है और रिलायबल है एज यू सी, कोई बहुत मुश्किल उसमें कोई मैकेनिज्म है नहीं। इसमें कोई पावर कन्वर्टर यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो वी विल बी वॉचिंग विल बी यूज्ड इन वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर्स, और उसका कॉस्ट भी जो है वो बहुत कम आता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, तो डिसएडवांटेजेस उसके ये है कि रिएक्टिव पावर कंट्रोल जो है और ग्रिड वोल्टेज कंट्रोल जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्टिव पावर कंट्रोल के लिए क्या किया हुआ है, कैपेसिटर बैंक लगाई है और यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट कर दिया है सी। और बिकॉज इसको कनेक्ट करने का हम लोगों का इसको कनेक्ट करने के पीछे हमारा मोटो क्या था, बिकॉज वी रिक्वायर्ड कंपनसेशन ऑफ पावर फैक्टर सेम एज हियर, राइट। सो पावर फैक्टर जो भी है उसका रिड्यूस्ड होता है, काफ़ी कम होता है, ओके। सो नेक्स्ट अप इज वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, जो तीन तरीके से होते हैं, DFIG, WRSG और PMSG, डब्ल्यू फेड इंडक्शन जनरेटर्स, वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स, एंड अबाउट देम वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आई विल बी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।